हेलो जी, गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ पे नाश्ता का टाइम हो रखा है। लड्डू गोपाल जी किशोरी जी के लिए भी यहाँ पे दूध गर्म किया था। और यहाँ पे फिर सुबह जो अपने दिन की शुरुआत होती है पूजा पाठ के साथ, बस वही यहाँ पे चल रहा है। वंशु आज घर पे ही है क्योंकि उसकी छुट्टी है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक दिन एग्ज़ाम होता है, एक दिन छुट्टी होती है, तो वो घर पे ही था। और वंशु भी मेरे साथ सुबह जब जिस दिन वो फ्री होता है, मतलब घर पे होते हैं, संडे हो या कोई त्यौहार होता है, तो हम सब साथ बैठ के पूजा करते हैं। परी स्कूल चली गई थी, उसका एग्ज़ाम था। और मैं यहाँ पे अपनी बुक जो है भगवद्गीता, उसको लेके मतलब मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा पढ़ लूँ, कम से कम एक पेज तो पढ़ लूँ, क्योंकि वंशु को सुनाना होता है ना, संस्कृत में होता है। तो बच्चों को आजकल संस्कृत कहाँ पढ़ाते हैं स्कूल में, तो मैं सोच रही थी इसको पढ़ के सुना दूँ, उसका मतलब समझा दूँ। लेकिन ना फिर थोड़ा सा काम था, टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में सुना दूँगी। फिर यहाँ पे पूजा आरती कर ली है। पूजा आरती करने के बाद अपने ठाकुर जी और राधा रानी जी को यहाँ पे गुलाल अर्पित किया था, क्योंकि वो वृंदावन में होली चली हुई है ना 40 डेज़ की, तो उनको रोज़ हम डेली अर्पित करते हैं गुलाल अपने घर पे। जो भी हमसे बन पाता है, जैसा बन पाता है, उतनी हम सेवा करते हैं जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं। वो हमारे पास सेवा लेने आए हैं, तो वो जानते हैं कि हम उनको कैसा रखेंगे, क्या उनको दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे, कितना हम उनके लिए कर पाएंगे। तो बस वही सोच के मैं बस उनको बोलती हूँ, जैसा है जो है आपका, आप ही को अर्पण, जो दिया है आपने दिया है, वही सोच के वही बोल के मैं उनको रोज़ सेवा करती हूँ। और यहाँ पे फिर लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था। सामने से ना गेट खुला हुआ था, तो ठंडी हवा आ रही थी, तो मैंने उनके सिर पे पगड़ी बांध दी थी। उनकी कैप अभी नहीं लगाते हैं क्योंकि थोड़ी सी ना ठंड है, इतनी भी नहीं है कि मतलब कैप में गर्मी लगने लगती है। मैं अपने प्रभु की सेवा इस हिसाब से करती हूँ, ये सोच के माइंड में ये रखती रहती है थॉट मेरे, कि जैसा इस टाइम मुझे फील हो रहा है, गर्मी या सर्दी जो भी, तो ऐसा उनको भी हो रहा होगा। और वास्तव में ऐसा होता भी है, हमारे मनोभाव के ऊपर होता है ये सब। पूजा पाठ जो भी हम करते हैं ना, जो हम भक्ति करते हैं, वो मनोभाव से होता है। हमारे पास क्या है देने को, क्या नहीं है, क्या सुविधाएं हैं, वो मायने नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। प्रभु को तो सिर्फ हमारे भाव चाहिए, वो हमारे भाव उनके लिए क्या हैं, कैसे हैं, शुद्ध हैं, नहीं हैं, क्या है हमारे मन के अंदर। मैं तो जो मेरे मन के अंदर नहीं होता है, अच्छा बुरा, जो दुख सुख मेरे अंदर मन के अंदर चल रहा होता है, मैं तो उनको सब बोलती रहती हूँ, ये ऐसा है, आप इसे देख लो, ये वो चल रहा है, सब मैं उनको बोलती रहती हूँ। और बस यहाँ पे प्रभु को भोग लगा दिया था। फिर मुझे करने थे काम, लाइट आ गई थी तो यहाँ पे कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल दिए थे, और बहुत सारे और भी बाकी काम है किचन में ना। बीच बीच में आगे धो कपड़े धोने लगती हूँ, फिर आके किचन में काम करने लगती हूँ, फिर मशीन पूरी हो जाती है तब भी, तो फिर जाके फिर से कपड़े निकालने लगती हूँ। ऐसे करते करते ना मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है सुबह के टाइम, तभी जाके काम पूरे हो पाते हैं। एक मशीन कपड़े धोने के बाद यहाँ पे दही रखी हुई थी, दही को चलाया था 2 दिन की। दही थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जब मैं उसको चलाती हूँ, तब इसमें घी आ पाता है। अब थोड़ा दूध मतलब कम होने लगा है ना, जब होता है एक्स्ट्रा तो खूब भर भर के होता है, फिर थोड़ा सा कम होने लगता है ना, तो ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि मक्खन निकालना ज़रूरी होता है ना। तो अभी 6 खट्टी भी नहीं होती है मट्ठा, तो चल जाता है 2 दिन तक वो। तो मैंने यहाँ पे देखो रई का ना, वो जो इसका मशीन का जो चकला होता है, वो मैंने चेंज कर दिया था। तो मैं वो चेक करती कहीं करंट वगैरह कुछ इसमें तो नहीं है, तो ये ना बस ठीक चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा ना फिर भी अभी ऐसा लग रहा था कि शायद रपट जाए, डर लग रहा था मेरे को। तो मैं वही देख रही थी कि मैं इसे छोड़ के काम कर पाऊँगी बाकी या नहीं, लेकिन उसको पकड़ना पड़ा था, तो यहाँ पे पकड़ लिया था, तब उसको चलाया था। फिर से यहाँ पे आकर मशीन में कपड़े वगैरह डाल दिए थे। और आज ना पता है क्या हुआ, चलते चलते है ना मशीन में, नहीं सही चलाते हुए छोड़ा था मैंने इसको पहले दिन, और आज देखा ना मशीन ड्रायर से मैंने कपड़े नहीं सूख रहे थे। जब कल मशीन को बंद किया था तो ठीक ठाक बंद किया था, चलते हुए छोड़ा था मशीन को, लेकिन अगर आज मैंने चलाया ना इसको, तो ये जो है ड्रायर नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ इसमें, और कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़े थे। और मैं मशीन को चेक कर ही रही थी, तो फिर खुशी आ गई थी स्कूल से, तो मैं खुशी को बताने लगी कि ऐसे ऐसे ना मशीन चल नहीं रही है, पता नहीं शायद चूहे ने तार काट दिए हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है। तो खुशी ने अपना माइंड लगाना शुरू किया, और वो खुशी ने उसने मशीन में ऐसे किक करने शुरू कर दिए, बहुत सारे किक किए कि या तो चली जाएगी या खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं खुशी को बोल रही थी कि बस रहने दे, जो थोड़ी बहुत बची है कपड़े धुलने वाली, वो भी ख़राब ना हो जाए कहीं। पता है क्या, मशीन ही पुरानी हो गई है, तो ये जानी तो है ही।
फिर कपड़े धोने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लेके आए थे हस्बैंड, तो उनको टेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये अच्छी नहीं निकली जैसा इनका टेस्ट होता है ना, ये वैसी नहीं निकली थी ना खाने में, कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ये किसी ने भी नहीं खाई, बस एक दो टेस्ट करके, बस वो एक दो भी टेस्ट मैंने की थी और इनका टेस्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो ये वेस्ट हो गई, ये नहीं खाई किसी ने, फिर ये ना फेंकनी पड़ी थी। थोड़ा बहुत भी अच्छा टेस्ट होता तो खा लेते, लेकिन ना नहीं खाई जा रही थी, वॉमिटिंग सी फील हो रही थी, इसलिए नहीं खाई थी। थोड़ी देर यहाँ पे सब बैठे धूप में, हंसी मस्ती मजाक किया और फिर अलग थे सब अपने अपने काम पे। मैंने भी यहाँ जो बाकी कपड़े बचे थे ना, मैंने बताया कि ड्रायर में कपड़े सूखे नहीं थे तो सब मैंने ऐसे सुखा दिए थे, बार बार ना कपड़ों में लगा रहना पड़ता है जब मशीन ऐसे ख़राब होती है। तो यहाँ पे कुछ राशन का सामान था, दाल वगैरह, छोले, राजमा, तो उन सबको डब्बों में भरकर रखा, यहाँ पे बच्चों को नहला के बैठा दिया है। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, राधे राधे।